सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश हवा दोगे। सो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बोन्स। बीफ बोन्स 1 kg के करीब है मेरे पास। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको बनाने के लिए मुझे 2 टोमेटो चाहिए होंगे, 2 big onions इस साइज़ में कटे हुए चाहिए होंगे। स्पाइसेस में हमें 1 tablespoon चाहिए है क्रश्ड रेड चिली, 1 tablespoon हमें चाहिए है कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 tablespoon सॉल्ट, और कुछ खड़े मसाले चाहिए होंगे जिनमें दालचीनी, क्यूमिन साबुत, ज़ीरा, बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची और कुछ लौंगे। चले गाइज, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रेशर में सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगी, 1 चम्मच भर के, ये बोन्स डालूंगी, इनको बस थोड़ा समय फ्राई करूंगी। थोड़ा सा विनेगर डालूंगी, नमक डाल दो, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। थोड़ी सी इसकी जो स्मेल है वो चली जाए, उसके बाद हम इसको मीट लगाएंगे। चलिए गाइस, मैं इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें अपने डालूंगी अनियन, टोमेटो और स्पाइसी रहेंगे इसमें। कड़े मसाले दिखाए थे वो भी रहेंगे। एक ग्लास भर के इसमें पानी डालूंगी और 15 मिनट का इसको हम वेट लगाएंगे और चेक करेंगे। मिनट के वेट के बाद देखते हैं इसको। चले गाइस, 15 मिनट का दम मुकम्मल होता है, हम इसको देखते हैं। अच्छे से हमारे प्याज टमाटर मिक्स हो गए हैं और बोन्स भी हमारी चेक कर देते हैं, मोस्ट हो गई हैं। अगर ना हो तो मज़ीद आप 10 मिनट का इसको वेट लगा सकते हैं पानी डाल के, मगर मुझे यहाँ लग रहा है कि हो गई हैं। 1 चम्मच मैं योगर्ट डालूँगी और इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। अच्छे से इसकी बुनाई करूंगी। और इसको 2 से 3 मिनट का दम लगा के इसको डिश आउट करूंगी। चलिए जी गाइस, हमारा दम मुकम्मल होता है, हम देखते हैं। माशाल्लाह, सारा ऑयल बाहर आ गया, अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी बीफ बोन्स रेडी हैं। हम इसको थोड़ी सी चिली और कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश करते हैं।
चलिए जी गाइस, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।